श्रीनगर में प्रेस कॉलोनी में भूख हड़ताल पर बैठे ये लोग पूर्व आतंकवादी हैं। लंबे अरसे के बाद वतन लौटे सैकड़ों कश्मीरी पूर्व आतंकी सरकार की नाफरमानी के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनको अपने तरीके से देखना चाहते हैं, इंसानियत के तरीके से देखना चाहते हैं, तो यही इसी टाइप की या इससे ज्यादा मिलिटेंसी पंजाब में भी थी, नॉर्थ ईस्ट में भी थी। वहाँ के लोगों को रिहैबिलिटेट किया गया, यहाँ के बच्चों को रिहैबिलिटेट नहीं किया गया। गन लेना बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद गन छोड़ना, और जब खून को छोड़ा जाए उसके बाद में जब इनको गन छोड़ने के टाइम जब ये लोग इनके पास गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के माध्यम से जो बेचारे रिलीज हो गए 10-10 साल 8-8 साल के बाद, अब वो एक पीस प्रोसेस के माध्यम से अपने बीवी बच्चों फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, तो उनको रिहैबिलिटेट करिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 1989 में आत्मसमर्पण कर चुके ये लोग जिंदगी गुजर बसर करने सरहद पार चले गए थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर की सरकार ने इनसे वतन वापसी और पुनर्वास योजना लाने का वादा किया, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया है। मेन कॉज ये है सर कि सिर्फ रिहैबिलिटेशन ऑफ एक्स मिलिटेंट। देखिए, हमारे को न सोसाइटी ओन करती है, न गवर्नमेंट ओन करती है। हम इतना चाहते हैं कि आप हमें इस माशरे के अंदर जिंदा रहने का हक दें। पाक से भारत लौट कर आए ये लोग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। अब ये लोग सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। इमरान शाह के साथ मर्जिया जाफर, न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो, श्रीनगर।